Good afternoon, students. This is Manish Mishra. Today we will discuss about the self of class 9. आज हम class 9 के chapter self के बारे में discussion करेंगे. आप लोगों को class 8 में ही पढ़ाया गया होगा कि self होता है क्या. What is the self? और आज आपको class 9 के explanation के form में इसको पढ़ना है कि self होता है क्या. मैं शुरुआत करता हूँ self को. आप ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं self की. What is the self? तो सिंपली द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल. मींस सेल ऑर्गेनिज्म्स के लिए, खासतौर से प्लांट और एनिमल का डिस्कशन करेंगे आप, तो जो सेल होता है, चाहे वो प्लांट के लिए हो या एनिमल के लिए हो, वो उसका स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल होता है, मतलब एक बेस होता है. विदाउट सेल किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा ही नहीं. फॉर एग्जांपल, सेल क्या होता है, सेल क्या करता है, कैसे ग्रोथ करता है, क्या बनाता है, तो ध्यान दीजिएगा, सेल इज अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ एज अ ऑर्गेनिज्म. ये बहुत छोटा पार्ट होता है. वी कैन नॉट सी विदाउट नेकेड आईज. इसको हम देख नहीं सकते. इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल्स, मतलब ऑल सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यूज. जितने भी छोटे छोटे सेल होते हैं वो एक साथ टिश्यू बनाते हैं एंड ऑल टिश्यू टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन. और सभी टिश्यूज ऑर्गन बनाना शुरू करते हैं. ऑर्गन ऑल टुगेदर इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम. और सभी ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड फाइनली ऑल ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स. और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे. तो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कौन कौन होते हैं, दे मे बी प्लांट एज वेल एज दे मे बी एनिमल. प्लांट और एनिमल दोनों क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और ये प्लांट और एनिमल जिनको आप ऑर्गेनिजम्स कह रहे थे, इनकी शुरुआत कहां से हुई, सेल से हुई. बना क्या ऑर्गेनिज्म यहां से लेकर और यहां तक, यानी शुरुआत आपने कहां से की, सेल से, और फाइनली क्या बन गया, एक ऑर्गेनिजम बन गया, यानी प्लांट हो या एनिमल हो, सबके अंदर सेल्स पाए जाते हैं. और जब सेल्स पाए जाएंगे तो सेल पाए जाने की वजह से ही किसी भी प्लांट बॉडी का, किसी भी एनिमल बॉडी के बॉडी का फॉर्मेशन होता है. अब ये क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल. सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड सेल. तो यहां पर आप देखिए मैंने कुछ साइंटिस्टों के नाम लिख रखे हैं. आपको मैं एक एक करके साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने किस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर सेल के लिए किया था. द फर्स्ट वन इज नोन एज रॉबर्ट हुक. सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक. एक्चुअली रॉबर्ट हुक को ही क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल माना जाता है. एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी, चलिए कोई बात नहीं सर.